नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, सीजीआई एनवी रमणा के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है और 5 अहम मामलों को सुनाया, यानी कि जो फैसला है वो 5 अहम मामलों का फैसला किया। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस यू ललित अब नए सीजीआई बनने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से दरअसल बता रहे हैं, जहां पर सीजीआई एनडी का कार्यकाल जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और 5 अहम फैसले सुनाते हुए नजर आए। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसले सुनाए और जस्टिस यूयू ललित जो है वो अब नए सीजीआई होने वाले हैं। इससे पहले भी देखा गया है कि जब भी सीजीआई जो है वो रिटायरमेंट का दिन होता है, कई अहम मामले सुनाते हुए नजर आते हैं, काफी मामलों का निपटारा करते हुए नजर आ रहा है। और उसी कड़ी में जो हमारे सीजीआई थे उनका ये कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा था और उसी के मद्देनजर काफी अहम 5 मामले सुनाते हुए नजर आए और आज सीजीआई का आखिरी दिन था कार्यालय और 5 अहम फैसले सुनाते हुए नजर आए। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 5 अहम फैसले सुनाए हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आखिरी दिन 5 अहम फैसलों का निपटारा किया गया, फैसलों को सुनाया गया है सीजीआई ने और यूयू ललित जो होंगे वो नए सीजीआई अब होने वाले हैं। देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो नए होंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, आखिरी दिन 5 अहम फैसले सुनाते हुए नजर आए और इससे पहले भी तमाम जो सीजीआई गए वो पूरी कोशिश करते हैं जो आखिरी दिन है वो काफी ज्यादा काम किया जाए और याद रखा जाए, ऐसे कुछ कार्य किया जाए। इसी को लेकर हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है काफी अहम फैसलों को लेकर सुनवाई करते हुए हमेशा से देखे गए और उसी कड़ी में यहाँ पर सीजीआई ने, जो हमारे देश के सीजीआई थे, अपने आखिरी दिन के कार्यालय को लेकर, कार्यकाल को लेकर काफी अहम फैसले सुनाते हुए नजर आए हैं। आपको बताएं सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच थी, ये आपको तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं कि जो सीजीआई की बेंच थी ये काफी महत्वपूर्ण फैसले सुनाती हुई नजर आई है और 5 अहम फैसलों को यहाँ पर सुनाया गया और जस्टिस यूयू ललित जो है वो अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले और एनवी रमणा जो है वो अब उनका आखिरी कार्यकाल जो था वो आज का दिन खत्म हो गया है। तो वहीं पर हुडल की हुसैनपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन खूब जोरदार तरीके से लगातार देखने को भी मिल रहा है। आपको बताएं कि प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हसनपुर के बगैल चौपाल से लेकर महावार धर्मशाला चौक तक प्रदर्शन किया है और चौक पर प्रदर्शन करते हुए तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल सरकार का पुतला भी फूंकते हुए नजर आए, सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दी है। और कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के नेता देवेश्वर कुमार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जन कल्याणकारी नीतियां नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो महंगाई को बढ़ाती हुई नजर आ रही, युवा जो है वो बेरोजगारी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं और स्कूल बंद किए जा रहे हैं, राशन कार्ड धारकों की थाली से तेल निकाला जा रहा है, दाल चावल सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, रसोई गैस के दाम लगातार तार बढ़ रहे हैं और लोगों को महंगाई से बेपनाह परेशानी हो रही है। चौदह से पहले ये बीजेपी वाले नारे लगाया करते थे, ये कहा करते थे अगर हम सरकार में आए तो हम प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देंगे, लेकिन आज हालात ये हैं कि पिछले 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है, उसमें भी हरियाणा नंबर 1 पर है बेरोजगारी में। पहले जो हरियाणा रोजगार के मामले में नंबर 1 पर हुआ करता था, आज बेरोजगारी में सरकार की गलत नीति की वजह से नंबर 1 पर। इस खबर को लेकर हरिओम भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम, कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन महंगाई को लेकर करते हुए नजर आ रहे, बेरोजगारी को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से जो ये प्रदर्शन है ये आगे ले जाने की बात की जा रही है और जिला प्रशासन किस तरह की तैयारियां करता नजर आ रहा है?
जी जी सेनावा जी, मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा के जो अंदर जो प्रदर्शन जोर दोर से किए जा रहे हैं, और यही जो ये प्रदर्शन जो आज जो हसनपुर में किया गया है, ये जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयपान हैं उनके बेटे हैं, और यह कांग्रेस की जो हरियाणा की जो कमेटी है उसके भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब फिलहाल ये कांग्रेसी नेता युवाओं में बड़े नेता माने जाते हैं, तो इनकी अगुवाई में आज हसनपुर में जो सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर के जो आज हसनपुर में पूरे जोर शोर से प्रदर्शन किया गया, और सैकड़ों लोगों के साथ पूरे बाजार में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जो उन्होंने हरियाणा सरकार का और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो पुतला फूंका। बिल्कुल हरियो में इससे पहले भी देखा गया है, कांग्रेस पार्टी एक बड़े स्तर पर हरियाणा के अंदर और हरियाणा के अलग अलग शहरों के अंदर आंदोलन करती हुई, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आपकी बात हुई हो, बेरोजगारी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, किन बातों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है? जो जो नेता हैं जो देवेश उनकी जो अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया है, उनका कहना है कि जो सरकार बीजेपी सरकार है ये अपने जो कार्यकाल में जब मैनिफेस्टो जो इन्होंने अपने चुनाव में दिया था कि भाई 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और महंगाई के ऊपर लगाम लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज महंगाई भी चरम सीमा पर है और ना ही किसी को रोजगार दिया गया है, और तो और जो सरकारी जो 5 स्कूल हैं, जो 105 स्कूल जो सॉरी हरिओम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हरिओम जो है वो बता रहे थे कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, स्कूलों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी दरअसल केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही, और कह रही है कि जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उसको लेकर सरकार को नीति बदलनी होगी, इससे आम जन का काफी ज्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। तो उधर जज्जर के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राय शुमारी करते हुए आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा है, और अनुराग ढांडा ने कहा है कि गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से निकल चुका है, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, और आप नेताओं ने यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई के छापे लगातार आम आदमी पार्टी पर पड़वाए जा रहे हैं। अनुराग ढांडा ने यह कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया, और सोनाली फोगाट की मौत पर अनुराग ढांडा ने कहा कि जिन 2 लोगों के नाम में उनकी हत्या के अंदर सामने आ रहे हैं वो सिर्फ प्यादे हैं, और असली साजिशकर्ता कौन है और किसने यह हत्या करवाई है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उनकी हत्या किसी साजिश के तहत ही हुई है, और इसके कुछ भी तत्व हो वो सामने आने ही चाहिए, और सीबीआई इसको लेकर जांच करती नजर आए। आपको बाइक करनी है क्या? नहीं, कर ले। झज्जर विधानसभा के जितने भी हमारे साथी हैं उन सबसे चर्चा करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए आए हैं। हम हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह से कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमको संगठन निर्माण करना है हरियाणा में, और आम आदमी पार्टी अपने संगठन का निर्माण कार्यकर्ताओं से पूछकर उनकी राय शुमारी से करती है। उसी प्रक्रिया में आज यहां पर विधानसभा के सब साथियों से चर्चा करेंगे और एक मजबूत संगठन बनाएंगे जो 2024 में हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी कर सके। जज्जर से हमारे संवाददाता सुमित कुमार इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट आपको और मिल पा रही है? पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा निशाना साधा और कहा गुजरात हाथ से निकल गया है, और आम आदमी पार्टी के पीछे ईडी सीबीआई इसलिए पड़ी है क्योंकि हम जनता के बीच में सक्रिय हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो है आज राष्ट्रीय सलाहकार है ढांडा जी, आज वो जज्जर में कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को जो है हाथ से निकल चुका जो है गुजरात की बात कही है, क्योंकि आने वाले चुनाव में जो है वो गुजरात पर जो है अपनी पार्टी का कब्जा करने जा रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर जो मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि अगला निशाना जो है हमारी पार्टी का जो है जमावड़ा जो है गुजरात में होगा, और अपनी सरकार जो है बनाकर दिखाएंगे और गुजरात में जो है भाजपा पार्टी का बिल्कुल सफाया कर देंगे। और साथ ही इन्होंने यहाँ पर प्रेस वार्ता में जो है बताया है कि जो ईडी जो घोटाले हैं, ईडी जो छापेमारी की थी वो सब बेबुनियाद निकले, और आम आदमी पार्टी पर किसी तरह का भी कोई विधायक न तो खरीदा गया है, न ही झुका है, न ही दबा हुआ है,
और ना ही किसी से भाजपा पार्टी ने किसी विधायक को तोड़ा है। फिलहाल फिर भी जो है सीबीआई जांच से जो कराए जो छापे पार्टी है छापेमारी है आ पार्टी किसी भी सूरत में डरने वाली नहीं है। और इन्होंने साफ तौर पर जो है राष्ट्रीय सलाहकार इन्होंने साफ तौर पर जो है अभी आम आदमी भाजपा पार्टी के जो है सोनाली फोगाट का देहांत हुआ है उसको लेकर भी कहा है कि जल्द से जल्द जो है भाजपा सरकार को सीबीआई भी जांच करानी चाहिए। और साफ तौर पर एक यह भी जो सरकार को मर्ज सरकार जो है स्कूलों को मर्ज करने की बात कर रही है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक भी स्कूल जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा में बंद नहीं होने देगी और भाजपा सरकार की जो है ईट से ईट बजाने का काम जो है आम आदमी पार्टी करेगी। और आने वाले समय में जो अभी फिलहाल जो है इन्होंने गुजरात को जो है टारगेट बनाया हुआ है गुजरात में अपना दमखम दिखाएगी और वहां पर अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी जो है वो सक्रिय भूमिका गुजरात के अंदर तो निभाती हुई नजर आ रही है, दरअसल हरियाणा को लेकर भी आम आदमी पार्टी एक सक्रिय भूमिका और कार्यकर्ताओं के बीच में जाती हुई लगातार नजर आ रही है। तो वहीं पर कैथल के अंदर आज राज्य मंत्री कमलेश डांडा के निवास के बाहर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है और किसानों का यह कहना है कि वो पंचायत को लेकर आए हैं और राज्य मंत्री को उनके खाने पीने का इंतजाम करना ही चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और किसानों की ये मांग है कि सरकार कानून बनाकर किसानों की जमीन को बहाल करे। और प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र की मीटिंग में बड़े आंदोलन का फैसला लिया जा सकता है। देखिए जो देश मुस्तका मालकान जमीन है उसके बारे में आज दूसरा दिन है, पूरे हरियाणा में सभी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके सभी घरों के सामने बैठे हैं और जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती, अब 1 तारीख को अभी 2 दिन का प्रोग्राम था, 1 तारीख को कुरुक्षेत्र में जड़ धर्मशाला में मीटिंग है, उसमें जो भी फैसला बड़े नेता लेंगे आगे फिर आर पार की लड़ाई होगी। कोई मालक ना मुस्कते खाते का उदे वास्ते पंचायत हुई जी इतने उदे वास्ते सारे इतने बैठे हैं तो अज शाम जो भी प्रोग्राम है अपना शाम 5 बजे पुतला फूकन का जी। बाकी ये नाल नाल जी एक पटेदार का रोल है जी, पटेदार का ये भी जी पटे नहीं कट्टे जाते जमीना के गौरमेंट उसकी लीज बहुत ज़्यादा मंग रही है, ला लो भी घट्टो घट भी ज साडे पिंड के चक्कू के 2700 रुपये लीज थी पहला इस टाइम 15,000 रुपये गवर्नमेंट लीज मंग रही है। इस खबर को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता कैथल से जुड़ चुके हैं। किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है और कमलेश डांडा के निवास पर अनिल ये प्रदर्शन किया जा रहा है, किसानों की आखिर क्या कुछ मांग है? जी बिल्कुल, किसानों ने जो है पंचायती जमीन की पंचायती जमीन सरकार के नाम कर दी थी और अब जो सरकार ने जो है एक डिसीजन लिया कि जितनी भी पंचायती जमीन है उसे सरकार के नाम कर दिया जाए, इसके विरोध में जो है किसान लामबंद हो गए हैं और लामबंद होकर जो लगातार पिछले 2 दिनों से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है जहां पर आज मंत्री के निवास स्थान के बाहर जो है पड़ाव डाला हुआ है और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये जमीनों को बचाने के लिए लड़ाई है, अगर आर पार की लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो वो लड़ेंगे। आज दूसरा दिन है, शाम को 5 बजे जो है सरकार का पुतला फूका जाएगा और 1 सितंबर को मीटिंग होनी है कुरुक्षेत्र, उसके अंदर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके चलते जो है सरकार भी सचेत हो गई है, खुफिया जो विभाग के लोग हैं वो लगातार जो है किसानों की जो मंशा है वो जानने में जुटे हुए हैं। हालांकि किसानों की तरफ से अपने कोई खुलासा नहीं किया गया कि 1 सितंबर को क्या फैसला लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे पीछे एक बड़ा आंदोलन हुआ था तो हो सकता है कि 1 सितंबर को कोई बड़े आंदोलन का आगाज हो जाए, इसके चलते जो प्रशासनिक अधिकारी भी बेचैन हो रखे हैं जी। हाँ बिल्कुल अनिल, एक बात यहाँ समझने वाली है, जो किसानों का ये जो प्रदर्शन है जो किसान मंत्रियों के घर के बाद प्रदर्शन कर रहा है, एक जमीन को लेकर कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर कर रहे हैं, कानून को लेकर कर रहे हैं, किन बातों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और मंत्रियों के घरों का घेराव किया जा रहा है? तो जी देखिए, इनका एक मुद्दा ये है कि जो पंचायती जमीन है पंचायत ग्राम पंचायत ने सरकार के लीज पे सरकार को दी हुई थी काम करने के लिए, अब जो है सरकार जो है उस पंचायती जमीन को अपने नाम करवाने पे लगी हुई है, ऐसा कोई अध्यादेश जो है सरकार के द्वारा पारित किया गया जिसके विरोध में किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो पंचायत की जमीन है वो गाँव की जमीन है, सरकार की जमीन नहीं होनी चाहिए और वो किसी भी कीमत के ऊपर जो पंचायती जमीन है उसको सरकार के नाम नहीं होने देंगे।
इसी के चलते जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल अनिल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस खबर को लेकर किसी मंत्री या किसी मंत्री के सलाहकार या किसी से अगर आपकी या आपके सहयोगी किसी से बात हो पाई हो, कोई अपडेट जो है वो मिल पाई हो संक्षेप में? देखिए, दो दिनों से कोई अपडेट नहीं मिल पाई है, क्योंकि जैसे ही प्रदर्शन की खबर मिली थी तो मंत्री जो है वो अपने निवास स्थान पर नहीं है। हालांकि जो उनके कार्यकर्ता या जो नुमाइंदे हैं वो वहां पर बैठे हैं, लेकिन मंत्री और उनका कोई भी पीए या कोई भी जो उनकी तरफ से जो बयान देश पे वो नहीं है, और मंत्री की जो कोठी है वो अभी तक खाली ही दिखाई दे रही है। और किसानों का ये कहना है कि मंत्री को उनको खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन मंत्री जो है खाने पीने का इंतजाम करने की बजाय जो है वो छोड़कर कहीं और चली गई है। उन्होंने इसकी भर्त्सना की है, इसी के चलते जो है 5 बजे जो लोग वो लोग हैं मंत्री और जो सरकार है उसका पुतला फूंकेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ जुड़े और विस्तार पूर्वक बताते हुए नजर आए कि किसान आखिर किन बातों को लेकर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते, बने रहे हर खबर के साथ। मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी, हर हिंदुस्तानी की शान, एआरबी बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट, आई कैन मेक डोसास फास्टर, मस्ट बी जोकिंग, बस 3 इजी स्टेप्स, मिक्स विद वाटर, स्प्रेड बैटर, फ्राई। गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर गोवा के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई की गई है। आईजी गोवा भाई के बयान के ऊपर मर्डर का केस अब दर्ज किया गया है और आईजी गोवा ने रिसॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई भी की है। आईजी गोवा ने यह भी कहा कि सोनाली को जबरदस्ती नशीला पदार्थ दिया गया था और लिक्विड के अंदर केमिकल भी मिला हुआ नजर आया। आईजी गोवा ये अपडेट देते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं कि सोनाली फोगाट से जुड़े हुए अब काफी तथ्य जो है वो निकलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। रिसॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई और सोनाली को जबरदस्ती नशीला पदार्थ दिया गया था, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन तमाम बातों का वो जिक्र करते हुए नजर आए जिन बातों को लेकर पूरा देश जो है, पूरा हरियाणा, उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले ये जानना चाहते थे कि आखिर किस तरह से ये मौत हुई है या फिर हत्या हुई है। उसको लेकर सोनाली फोगाट के मामले को लेकर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और लिक्विड के अंदर केमिकल मिलाकर दिया गया था, आईजी गोवा का साफ तौर पर कहना है। और भाई के बयान पर मर्डर केस जो है वो दर्ज किया जा चुका है और सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी खंगाले जा रहा है। हर एक पहलू को गोवा पुलिस से देखती हुई नजर आ रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं पर टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो गई हैं और हिसार के ऋषि नगर शमशान घाट के अंदर सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हुआ है। वहीं पर सोनाली की बेटी यशोधरा ने भी अपनी मां की अर्थी को कंधा दे दिया है और परिवार सोनाली की मौत के मामले को लेकर सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहा है। वहीं पर सोनाली के अंतिम संस्कार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे और इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा कि सोनाली का जाना उनका व्यक्तिगत नुकसान है और कुलदीप ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को देर होने से पहले ही मामले की सीबीआई जांच सौंप देनी चाहिए और कुलदीप ने यह भी कहा कि सोनाली की मौत से हिसार भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सोनाली जी के अकस्मात निधन का बहुत ही अफसोस है और आज देखिए किस प्रकार से उसका लोगों की उनके प्रति श्रद्धा थी, इतनी भारी भीड़ आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आई है और इस दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार पूरे तरीके से सोनाली जी के परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति दें।
तो वहीं पर सोनाली फोगाट के शव की पोस्टमार्टम प्राइमरी रिपोर्ट को लेकर एक खुलासा हुआ है और हिसार के प्रसिद्ध बायोटेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया ने रिसॉर्ट की विस्तृत जानकारी दी। रिपोर्ट के अंदर बॉडी पर मल्टीपल फोर्स इंजरी थी और बॉडी पर गुम चोट के निशान भी मौजूद हैं। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका ने बताया है कि उन्हें जैसे ही खबर मिली कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक हुआ है और उसी समय से शक हो गया था कि सोनाली को अटैक नहीं हो सकता क्योंकि वो स्वस्थ थी और उनकी हत्या ही की गई। आपको बताया हैवानत के चलते ये हत्या की गई है। उनके भाई जो हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा और एफआईआर के अंदर अभी दो नाम निकलकर सामने आए हैं और एक उनका पीए सुधीर और एक दूसरा सुखविंदर का नाम है, लेकिन इसके पीछे और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है। साफ तौर पर जो सोनाली के भाई हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी बॉडी के ऊपर इंजरी है, लेकिन जो गोवा मुख्यमंत्री और जो गोवा पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी अपने बयान दे रहे थे कि ये नेचुरल डेथ है, वो अब किस मुंह से अपने इस परिवार का सामना करेंगे जो जिसने अपना सब कुछ खो दिया। बेटी ने अपनी माँ खो दी, बाप पहले खो दिया था, माँ ने अपनी बेटी खो दी। पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और मैं सबसे पहले मैंने इस मुद्दे उठाया था भी इसमें रहस्यमय और संदेहास्पद है, और वो आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ उजागर हो गया कि उसकी बॉडी पे मल्टीपल फोर्स इंजरी थे, उसको किस ढंग से मारा गया है। बस मेरा तो यही कहना है, अब उनको अरेस्ट तो कर लिया लेकिन पूरी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए हरियाणा सरकार से बाहर से भी, उन्होंने किसके कहने पर किया, क्यों किया उन्होंने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आगे हत्या है, देखो मैंने देखी नहीं ऐसी, कोई पता नहीं मैंने उन्होंने क्या स्पीच दिया, क्योंकि मैं तो यहीं बैठा हूं ना, तो मैं फोन देख रहा हूं, जैसे आप लोग आ रहे हैं वैसे हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं वैसे। फरीदाबाद के ढकोला गांव में एक के भतीजे ने अपने चाचा की तेज धार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है और बताया यह भी जा रहा है कि चाचा और भतीजे के अंदर लाखों रुपए के लेनदेन और जमीनी विवाद के चलते झगड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसे गंभीर चोटें लगने के चलते चाचा की मौके पर ही मौत हो चुकी और मृतक के साले और ससुर के मुताबिक विक्रमादित्य का अपने भाई भाभी और भतीजे से लाखों रुपए का लेनदेन और जमीन को लेकर विवाद चलता रहा। इसी के चलते उनका झगड़ा बढ़ता रहा और जब वे अपने खेत में काम करने के लिए गया हुआ था तो वहां पर उसके भाई भाभी और भतीजे से कहा सुनी हो गई और इसी दौरान विक्रमादित्य के भतीजे अभिषेक ने उसके सर के ऊपर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। इसके चलते विक्रमादित्य के सिर से काफी ज्यादा गंभीर चोटें निकलने लगी और ब्लड बहने लगा। गंभीर रूप से घायल विक्रमादित्य को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल इनकी थोड़ी हाथापाती हुई, आज सुबह जब ये खेत पर गए थे जहाँ पे वो रहता है अभिषेक, तो वहाँ पे इनके पापा और इनकी मम्मी और अभिषेक ये तीनों एक साथ बैठे थे और अपने भैया से इससे चाचा से लड़ने लगे। तो जैसे ही आपस में गुत्था पहना हो रहा था तो पीछे से अभिषेक ने कोई पहना तेज धार हथियार उनके सिर में मार दिया और उनकी वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।